रायपुर में भाटा गांव हिंसा पर अपडेट आपको दे दें। इस हिंसा में घायल युवक की मौत हो गई है। डीकेएस हॉस्पिटल में युवक का इलाज चल रहा था। भाटा गांव के बीएसयूपी में जुआ खेलने को लेकर युवकों के बीच विवाद हुआ था। विवाद में एक युवक की हत्या हुई थी। 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब एक और मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवक का मौत होना बताया जा रहा है। डीकेएस हॉस्पिटल में युवक का इलाज चल रहा था। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप अपडेट दीजिएगा। संदीप सुन पा रहे हैं? बड़ा जुआ भाटा गांव में, आपको बता दें कि बीएसयूपी कॉलोनी है, वहां पर दिवाली की एक रात पहले बड़ा जुआ चल रहा था और दो गुटों में आपसी विवाद हुआ, जिसपे संजय यादव की तुरंत मौत हो गई थी इलाज के दौरान उसपे। और इसके बाद एक आनंद नाम का युवक था, उसे डीकेएस में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। तो आनंद की जो है वो मौत हो चुकी है। इस मामले में आपको बता दें कि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 7 लोगों से पूछताछ चल रही है, 7 हिरासत में है। रचना, इसके पहले आपने जो खबर पढ़ी, तिल्डा में भी एक मौत हुई है। ऐसा करके अगर बात करें तो रायपुर में कुल 5 दिन में 8वीं मौत है, जिसमें 7 लोगों की तो सीधे सीधे हत्या है और एक जो खबर हम अभी दिखा रहे हैं ये 8वां युवक है जिसकी मौत हुई है। तो दिवाली में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार देखिए हत्याएं हो रही है। 5 दिन में 8वीं मौत है और सभी की सभी हिंसा के चलते हुई है। इसपे अभी भी 2 लोग, आपको बता दें कि जो भाटा गांव का बीएसयूपी का मामला है, इसमें 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक आपको बता दें बड़ा अपडेट कि बूढ़ा तालाब में भी एक शव मिला युवक का। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि उसे मार कर फेंका गया, हालांकि वो जांच के बाद ही कुछ कहना इसमें उचित होगा। तो दिवाली जो रही है राजधानी के लिए काफी कितना गंभीर ये विषय है कि पुलिस 10 त्योहार के पहले पुलिस ने मीटिंग की, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होने की बात कही, पेट्रोलिंग की बात कही गई, लेकिन उसी राजधानी रायपुर में 6 हत्याएं और जिस तरह से आज को मिलाकर आंकड़ा अगर हम बोले तो 8 हत्याएं लगभग कर दी गई है। तो ये गंभीर विषय है और पेट्रोलिंग पर भी कई गंभीर सवाल उठते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, देखिए जो तिल्डा को छोड़ दे तो बाकी जो रायपुर का क्षेत्र है, आप देखिए कि निर्वाचन मतलब आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में सिक्योरिटी तेज हो जाती है, जांच जगह जगह होती है। दिवाली में अलग से एसपी कलेक्टर खुद पैदल मार्च करके उन्होंने सिक्योर किया था, लोगों का एश्योर किया था कि कोई सब अच्छे से रहेगा, हिंसा किसी प्रकार की नहीं होगी। ऐसे में 5 दिन में 8 लोगों की हत्या कर देना, देखिए कई घटना दुर्घटना अलग चीज है, साफ साफ हिंसा का मामला है। और सकरी की जो हमने कल घटना दिखाई थी, सामाजिक विवाद हो गया था, एक घर को जलान दिया गया था, कई लोग उसमें जल के मरते बचे थे, कवर्धा जैसी घटना हो सकती थी। तो बहुत ही बुरा हाल है कानून व्यवस्था का, खासकर दिवाली में, उस समय जबकि सुरक्षा अपने चाक चौबंद पूरे पैमाने पे होता है, ऐसा दावा करती है पुलिस। तो ऐसे में बड़ा देखिए सवाल खड़ा हो रहा है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसे उजागर करेंगे कि चाकूबाजी हुई है लेकिन उसमें अभी एफआईआर नहीं हुई है, ताकि क्राइम रिकॉर्ड बढ़ा हुआ ना दिखे थानों का। तो ऐसे भी मामला है जिसे हम जल्द उजागर करेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। तो निश्चित तौर पर लगातार होती घटनाएं, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, इससे पुलिसिंग पर भी गई गंभीर सवाल उठते हैं।